अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मज़ेदार चटनी तैयार कर लेते हैं, इजी रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल पूरा प्रिकान पे हमने अच्छी तरह लगाए हैं। टमाटर को दो दो पीस बनाए हैं एक टमाटर से। टमाटर एक साइड पक चुका है, अब दूसरी साइड हम पका लेते हैं अच्छी तरह। ये बहुत अमेजिंग चटनी है, तो हम प्लेट रख देते ताकि अच्छी तरह गल जाए और टमाटर नरम हो जाए। प्लेट ढक्कन आप 5 मिनट के लिए इसको रख सकते हैं। 5 मिनट हो चुका है और 5 मिनट बाद हम इसका जो छिलका है छिलका उतार लेते हैं। सारे टमाटर को हमने अच्छी तरह छिलका उतारते हैं। तो ये छिलका उतार लिया है आप देख सकते हैं, और एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं इसको। तो 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालें और इसमें डालते हैं 8 से 10 जवें लहसुन। इसको हम फ्राई कर लेते हैं, जैसे ब्राउन कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट कर लेते हैं एक बोल में, इसी बोल में शिफ्ट कर लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये मेल्ट हो गए हैं। 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 अदद हरी मिर्च हमने लिया है, 1 टीस्पून हमने पुदीना लिया है और 2 से 3 टीस्पून हमने हरी धनिया लिया है। मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिया है, प्याज को हमने बारीक सा चॉप किया है और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये है हमारा चटनी, चटनी तैयार हो गया है। इसको हम बॉयल शिफ्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं इसका लुक दोस्तों।